फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ नया स्पेशल कराने जा रही हूँ। ये है बेसिक टर्म्स। ओके, थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ। बेसिक टर्म्स देखिए, पहला है आपका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेटिक मटीरियल दैट परमिट्स द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स। ओके, सो दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तभी तो हम लिखते हैं कि बी इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब ये जो आपका परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10^-7 हेनरी पर मीटर होती है। इसका मतलब ये हेनरी पर मीटर है और केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये क्या है? आपका रिलेटिव परमिबिलिटी है। दिस इज द रेशियो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉलिड मटीरियल टू दैट ऑफ परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। दैट मीन्स ये म्यू नॉट जो होता है, ये होता है परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की वैल्यू तो पता है कितनी है आपको। ठीक है, अभी रिलेटिव परमिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज योर रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद रखिए। इट इज अ, मैं पूरा लिख देती हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखिए, इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड आप इंड्यूस कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी को कितना मेजर करता है, दैट इज योर रिलेटिव परमिबिलिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच एक्चुअली क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो इसको, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लो, एंड एम इज द मैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, यानी कि इट इज द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये रेशियो क्या है? इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। और ससेप्टिबिलिटी क्या है? रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको मैग्नेटिक मटेरियल में मॉक टेस्ट कराए हैं उसमें आता है, जो पॉइंट्स जो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज आती है, मैग्नेटाइजेशन, ससेप्टिबिलिटी, तो ये सब मैं बता रही हूँ। अब है आपका बोहर मैग्नेट्रॉन। ये मैं एक बार बता भी चुकी हूँ। बोहर मैग्नेट्रॉन इसमें बहुत आ रहा है क्वेश्चन में। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट की बहुत ही छोटी यूनिट होती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई, ये चार्ज है ई, इसको आप ई लिखो या क्यू लिखो, ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज ई है, इट इज मूविंग और रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ है और ये रेडियस आर में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट थ्रू सर्कल कितना होगा? ई ओमेगा बाई 2 पाई। दिस विल बी आई इज इक्वल टू ई ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट को मैंने बताया था, दिस इज म्यू एम इज इक्वल टू आई डॉट ए, करंट डॉट ए, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सर्कुलर है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो म्यू एम जो होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू एम इज मैग्नेटिक मूवमेंट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ई ओमेगा बाय 2 पाई डॉट ए, पाई आर स्क्वायर। ये ए है और ये करंट है, तो दिस इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे म्यू एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। दिस म्यू एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। एच क्या होता है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। दिस इज योर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। बोहर के अकॉर्डिंग जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट बाय 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम कह रहे हैं, तो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये एम ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? एन एच बाई 2 पाई एम आर स्क्वायर। तो जो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, दिस म्यू एम इज वॉट? मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वेशन रखो, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, तो ई आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन है, तो
तो यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन ओमेगा की वैल्यू ये हो गई, तो म्यू एम की वैल्यू कितनी आई, एन ई एच बाय 4 पाई एम। इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था ना अभी मैंने आपको करवाया था। एन की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो म्यू एम कितना हो जाएगा, ई एच बाय 4 पाई एम। दिस इज वॉट ई एच बाय 4 पाई एम। इफ एन इज इक्वल टू 1 सो दिस इज ई एच बाय 4 पाई एम। तो इस म्यू एम को हम क्या बोलते हैं, म्यू बी भी बोलते हैं, यानी कि बोहर मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये जो बोहर मैग्नेट्रॉन है, नाउ पुटिंग डाउन द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ई की वैल्यू कितनी है, दिस इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.62 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। 4 पाई और मास कितना होता है, केजी, 9.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। दिस इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन है। दिस इज वॉट, बोहर मैग्नेट्रॉन, यही हमने पढ़ा ना। This is equal to, ये आप याद कर लीजिए, this is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square और joule per t। ठीक है, now relation between B, H, M, M। तो इसमें हमने भी क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि permeability क्या होती है, relative permeability क्या होती है, magnetic susceptibility क्या होती है, magnetic moment क्या होता है, M को हम क्या बोलेंगे, इट इज द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटीरियल। ये मैग्नेटाइजेशन है। बोहर मैग्नेट्रॉन आपने पढ़ा कि इफ द एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो उसमें जो करंट इंड्यूस होती है उस सर्कुलर पाथ में, वो ई ओमेगा बाई 2 पाई होती है। और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, म्यू एम होता है। दिस इज वॉट मैग्नेटिक मूवमेंट ना, ये जो म्यू एम है ये क्या है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट ही तो है। दिस इज योर मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये सब चीजें आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि वो बार बार मॉक टेस्ट में ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ रही थी, तो आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये इसका एक प्रॉपर थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। नाउ रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम होता है। नाउ डिवाइडिंग द होल इक्वेशन, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एच कितना हो जाएगा, B by H is equal to mu naught H by H plus M by H, यही होगा ना। तो mu is equal to, ये तो mu हो गया क्योंकि B is equal to mu H होता है। This is equal to mu naught of 1 plus chi, ये क्या होता है, ratio of magnetization to that of magnetic flux strength और magnetic field strength जो होता है वो 1 plus chi हो गया। Actually हम H को ही magnetic field strength या magnetic field बोलते हैं क्योंकि H is equal to Ni by L होता है, ampere turns पर मीटर, यही होता है ना। और B इज इक्वल टू म्यू एच है तो B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गई। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ 1 प्लस काई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। काई इज व्हाट, ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है, ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स इन मटीरियल। Origin of permanent magnetic dipoles in material, whenever a charged particle has an angular momentum, पार्टिकल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो पार्टिकल जो होगा उसकी इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिबिट होगा। ठीक है, नाउ देर आर 3 कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। एक एटम के एंगुलर मोमेंटम में 3 कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्या होते हैं, फर्स्ट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तीसरा होता है न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो दीज 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम इनटू प्ले। तो ये जो तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंगुलर मोमेंटम के, दे करस्पॉन्ड टू परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मोमेंट। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंपोनेंट्स इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। मतलब जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को एप्रोप्रिएटली ऐड करोगे तो उससे टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर ओनली अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नॉट बाय ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ठीक है। क्योंकि किसी भी मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इट इज ओनली अफेक्टेड बाय हाउ मच द इलेक्ट्रॉन्स आर स्पिनिंग। उनके इलेक्ट्रॉन स्पिन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड नॉट बाय द ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देखिए,
मटेरियल्स विच लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स, जिनमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स नहीं होते हैं वो डाई मैग्नेटिक होते हैं. रिमेंबर इफ देर आर परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स एसोसिएटेड विद एटम्स इन अ मटेरियल, सच अ मटेरियल मे बी पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी, डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल डाइपोल्स. कोई भी डाइपोल है, इंडिविजुअल डाइपोल्स के बीच में कितना इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है. अगर परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स किसी एटम के साथ एसोसिएटेड हैं किसी मटेरियल में, तो वो मटेरियल पैरा, फेरो या एंटी फेरो तभी कहलाए जाएंगे क्योंकि उनमें इंडिविजुअल डाइपोल्स में कितना इंटरेक्शन है उसकी डिपेंडेंस देखी जाती है. हाउ मच डू दे इंटरैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल डाइपोल्स. नाउ इफ इंटरेक्शन बिटवीन एटॉमिक परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो और नेग्लिजिबल, अगर एटॉमिक परमानेंट डाइपोल मोमेंट के बीच का इंटरेक्शन जीरो है तो मटेरियल पैरामैग्नेटिक होगा. इफ द डाइपोल्स इंटरैक्ट इन सच अ मैनर दैट दे टेंड टू लाइन अप इन पैरेलल, तो मटेरियल विल बी फेरो. पहले तो आप मीनिंग्स देखिए, अगर डाइपोल्स इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं कि वो पैरेलली उनका जो मोमेंट है वो पैरेलली है, तो मटेरियल्स आपका फेरो होगा. इफ नेबरिंग डाइपोल्स टेंड टू लाइन अप सो दैट दे आर एंटी पैरेलल, अगर वो एंटी पैरेलल होते हैं दैट मींस इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मटेरियल इज एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक कहलाएगा, ठीक है. तो अगर दे डू नॉट एग्जिबिट एनी परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल, अगर उनका एब्सेंस है, वो नहीं परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मटेरियल डाया होगा. और अगर उसमें परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं विच डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल डाइपोल्स, देन वो पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी होगा, ठीक है. तो यही मैंने बताना था, एंटी पैरेलल जहां भी अलाइनमेंट होगा नेबरिंग डाइपोल्स का वो एंटी फेरो या फेरी होंगे, और अगर डाइपोल्स इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि वो पैरेलली लाइनअप है तो फेरो होंगे, और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो वो पैरो, पैरा होगा, ठीक है. ये हम आपको बताएंगे डायग्राम के थ्रू. अच्छा, थोड़ा सा हम अभी इतना कर लेते हैं. इन केस ऑफ एंटी फेरो कॉन्फिगरेशन जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो होता है बिकॉज द स्पिन्स ऑफ नेबरिंग डाइपोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट. इस तरह से होता है ना, ये हम देखेंगे. इक्वल एंड अपोजिट होता है क्योंकि जो स्पिन होता है नेबरिंग डाइपोल्स का वो इक्वल भी होता है और अपोजिट होता है, इसलिए इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा. वेयर एज फेरी में क्या होता है, इन फेरी मैग्नेटिक स्पिन्स ऑफ नेबरिंग डाइपोल्स आर अपोजिट एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, दस इन दिस केस देयर मे बी अ लार्ज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है. फेरी में क्या होगा कि जो नेबरिंग डाइपोल्स के स्पिन्स होते हैं वो स्पिन्स मतलब रोटेशन, वो अपोजिट होते हैं और अनइक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अनइक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, एंड इन दिस केस वो वहां पे लार्ज नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड. मतलब डायमैग्नेटिक जाया को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे किसी भी उसकी पोजिशनिंग अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, तो दे अक्वायर वेरी वीक मैग्नेटाइजेशन. वो वैसा मैग्नेटाइजेशन अक्वायर करते हैं विच इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड. ओके, अब यहां देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए. जैसे बिस्मथ है, बिस्मथ, बेरिलियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जर्मेनियम एंड सुपर कंडक्टर्स, ये डाया होते हैं क्योंकि B इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H प्लस M होता है. जब B जीरो होगा, अगर क्योंकि इसमें बताया था कि दे लैक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो B जीरो होता है, H इज इक्वल टू माइनस M होता है विच इज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो दिस रिजल्ट इन अ परफेक्ट डायमैग्नेट. तो इसमें जो ससेप्टिबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए जब B आपका जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट ऑफ H प्लस M, यही होगा. तो यहाँ पे जो H होगा दिस इज इक्वल टू माइनस M, तो जो ससेप्टिबिलिटी होगी इट विल बी द रेशियो ऑफ माइनस M बाय H, यही होगा ना, रेशियो ऑफ द मैग्नेटाइजेशन टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि माइनस वन होगा. तो सुपर कंडक्टर्स में जो ये ससेप्टिबिलिटी होती है नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ डायमैग्नेट, जिसमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू -10^-6 होती है. तो इसलिए डायमैग्नेटिक में जो ससेप्टिबिलिटी होती है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है. रिमेंबर रखिए कि ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इन डाया, इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप लिख सकते हैं, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है.
पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर अ फीबल मैग्नेटाइजेशन इन सेम डायरेक्शन. यहाँ पे फीबल मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करते हैं बट इन द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, जैसे प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सारे क्या है, पैरा है. इफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक कब होंगे? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स व्हेन दे आर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड दे एक्वायर अ फीबल मैग्नेटाइजेशन बट इन द सेम डायरेक्शन इज दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड. उनमें सेम डायरेक्शन में ही वो फीबल मैग्नेटाइजेशन अक्वायर करते हैं. तो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए, ये एग्जाम्पल है. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप इस तरह से स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होता है. एलिमेंट्स हैविंग नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जिनकी नेट वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, दे एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म विच रिजल्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स दैट स्पिन अराउंड देयर ओन एक्सिस. एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि एलिमेंट्स की वो वैल्यू होती है नेट मैग्नेटिक मोमेंट की, देखिए स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है ना, विच रिजल्ट्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स दैट स्पिन अराउंड देयर ओन एक्सिस. जो इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, उन्हीं का नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करेगा और वही पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे. नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम एनर्जी वैल्यू एंड साइन फॉर स्पिन मोमेंट. ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की कभी भी सेम एनर्जी वैल्यू नहीं होती. नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम एनर्जी वैल्यू एंड साइन फॉर स्पिन मोमेंट. जब भी वो स्पिन मोमेंट करेंगे, रोटेशन करेंगे, स्पिन मूवमेंट करेंगे, तो कभी भी दो टू इलेक्ट्रॉन्स की सेम एनर्जी वैल्यू नहीं होगी और ना ही उनका सेम साइन होगा. ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. एंड इलेक्ट्रॉन स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेट है, उसकी जो स्टेट है, मैंने जैसे लिखा है ना, एन इलेक्ट्रॉन स्टेट कैन बी ऑक्यूपाइड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली. कोई भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो होगी, इट विल बी डिफाइंड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स, वन विद द पॉजिटिव स्पिन एंड अदर विद द नेगेटिव स्पिन. मतलब एक बार अपवर्ड जाएगा, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. तो जो स्पिन पैरामैग्नेटिज्म है, इट इज स्लाइटली टेम्परेचर डिपेंडेंट. जो स्पिन प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म की, यहाँ पे स्पिन पैरामैग्नेटिज्म इज स्लाइटली टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो यहाँ पे क्यूरी लॉ होता है. क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है. इट स्टेट्स दैट ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये ससेप्टिबिलिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है. तो काई इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई टी होता है. दैट मीन्स रेशियो ऑफ सी टू दैट ऑफ टेम्परेचर. तो सी इज वॉट, क्यूरी कॉन्स्टेंट. अब यहाँ पे क्यूरी वेस लॉ है. क्यूरी वेस लॉ क्या होता है, काई इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस थीटा. सो थीटा क्या है, थीटा इज द अनदर कॉन्स्टेंट दैट हैज सेम यूनिट एज टेम्परेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. मतलब यहाँ पे थीटा भी एक टेम्परेचर की ही तरह एक कॉन्स्टेंट है, जिसकी या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी. ठीक है, तो C by T minus theta is क्यूरी वेस लॉ एंड C by T is क्यूरी लॉ बोलते हैं, क्योंकि क्यूरी लॉ में हमेशा ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा, क्यूरी वेस लॉ ये होता है. अब यहाँ पे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये 1 by x है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, और ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. अब यहाँ पे देखिए, थीटा जो है यहाँ जीरो से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है और यहाँ नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है. तो जब ये ऊपर तक जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और एक ही ओरिजिन से इंक्रीज कर रहा है, ये है. तो यहाँ पे बस एक ग्राफ बताया गया है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है क्यूरी का और क्यूरी वेस लॉ. ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि कार्बोनेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, या जो सल्फेट्स हो गए, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैंगनीज के, दो दे ओबे द क्यूरी वेस लॉ. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आता है विच मटेरियल्स एग्जिबिट दी प्रॉपर्टी ऑफ क्यूरी वेस लॉ. तो इसमें जो कार्बोनेट्स होते हैं, जो सल्फेट्स होते हैं, जो क्लोराइड्स होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम या मैंगनीज के, दे ओबे दी क्यूरी वेस लॉ. ये क्यूरी वेस लॉ ओबे करते हैं. तो आई थिंक ये आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. टिल देन इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.